दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा निर्णय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेक्चर 41 के रूप में आपको मैं विश्लेषण विधि पढ़ाऊंगा। विश्लेषण विधि जिसे एनालिटिकल मेथड कहा जाता है, ठीक है। विश्लेषण का मतलब होता है, विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ना, ठीक है। अब इसको कई भागों में बांट के इसका अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? तोड़ना, अलग अलग भागों में तोड़ना होता है, ठीक है। अलग अलग भाग करना, यही आपका विश्लेषण कहलाता है। और इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं भैया? अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसकी जो क्रिया विधि होती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब इसको तोड़ कर सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए, आपका जो अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। अब आपको ज्ञात तथ्य की वैल्यू निकालना हो, जैसे दिया गया है यहाँ पे 2a बराबर 3b बराबर 4c ना, तो a अनुपाते b अनुपाते c आपको क्या करना है? तो आपको तथ्य क्या होते हैं? ज्ञात होते हैं। और उसमें क्या होता है? अज्ञात चीज़ a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप क्या करिए, जैसे इसके बराबर क्या मान लीजिए, एक। अब इसको तोड़ दीजिए, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब सबके बराबर आपने एक मान लिया, तो 2a बराबर एक अगर है तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 हो जाएगा। यहाँ जैसे दिया गया है 3b बराबर एक, तो b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/3 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ 4c बराबर दिया गया है एक, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। अब इसी a b c का मान इसमें क्या करना, रख देना है, जो ज्ञात करना है। तो a अनुपाते b अनुपाते c, तो आपको क्या करना है? 1/2 अनुपाते, 1/3 अनुपाते, 1/4। अब अनुपात में जब तक हर बराबर नहीं होता तब तक अनुपात क्लियर नहीं होता। तो 4, 3, 2 का लघुत्तम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 12। तो 2 × 12, 3 × 4, 12, 4 × 3 जो कॉमन होता है अनुपात में उसको हम छोड़ देते हैं। अर्थात हमको क्या मिल गया निष्कर्ष? ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3, ठीक है। तो आपने देखा कि विश्लेषण विधि का अर्थ होता है तोड़ना, और इसका मतलब कि इसमें अज्ञात से हम क्या करते हैं, ज्ञात की ओर चलते हैं। और इस विधि में, इस विधि का प्रयोग हम ज्यामिति में करते हैं, ज्यामिति में करते हैं, अंक गणित में करते हैं, और बीज गणित में करते हैं, ठीक है। अब आपको इसको हल करने के लिए आपको कुछ तथ्यों की जानकारी मालूम होना चाहिए। अगर उन तथ्यों की जानकारी नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ दिया रहेगा तभी आप इसके बारे में स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह एक वैज्ञानिक विधि है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या क्यों कैसे का जवाब मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि यहाँ a बराबर 1/2 कैसे हुआ, तो आप बताओगे कि जब 2a बराबर 1 दिया गया है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि इधर गुणित में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, यहाँ 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 कैसे हो गया, तो आप बताएंगे कि अनुपात में क्या होता है, जब तक हर बराबर नहीं होता तब तक इसका अनुपातिक भाग बांटा नहीं जा सकता है। तो 2, 3, 4 का लघुत्तम लिया आपने, देखा तो 2 × 12 हो गया, 3 × 12, और जो कॉमन होता है अनुपात में उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो आपको क्यों कैसे का क्या होता है, जवाब मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है।
और इस विधि से जो प्राप्त ज्ञान होता है वह बच्चे का क्या होता है, तार्किक होता है, और इससे इस मतलब बच्चे के मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, या आप कह सकते हैं कि जब तर्क करने की क्षमता विकसित होती है तो इस विधि से क्या होता है, तार्किक विकास होता है। तो आइए सबसे पहले इसका गुण लिख लीजिए, इस विधि का गुण क्या है। तो विश्लेषण विधि का सबसे बड़ा गुण है कि इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, नंबर एक। नंबर दो, इस विधि से विद्यार्थी का तार्किक ज्ञान विकसित होता है, विकसित होता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों आपने देखा कि यह एक प्रकार की क्या है, वैज्ञानिक विधि है। इससे बच्चे का क्या होता है, बच्चे के ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, अध्यापक का काम सरल कर देता है। अध्यापक का क्या क्या काम होता है, सरल, चूंकि इसमें काफ़ी चीज़ जानकारियां होती हैं, ठीक है, इसी माध्यम से वह आगे बढ़ जाता है। इस विधि से अध्यापक का कार्य सरल होता है, क्योंकि इसमें तथ्य मालूम होते हैं, इसी वजह से उसका कार्य क्या होता है, सरल होता है, ठीक है। और इसमें कुछ तथ्य क्या होता है, ज्ञात होता है, ठीक है। अब इसका दोष क्या होता है, ठीक है, अब इसका दोष यह अधिक क्या है, समय लेता है। यह विधि अधिक समय लेती है। नंबर दूसरा, इसमें ज्ञात तथ्य की जानकारी होना चाहिए, अगर अज्ञात निष्कर्ष और ज्ञात तथ्य की जानकारी आवश्यक है, अज्ञात निष्कर्ष। और जैसा कि अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अज्ञात निष्कर्ष है, लेकिन हमको क्या निकालना है निष्कर्ष, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और तथ्य इसके ज्ञात होना चाहिए, तभी हम हल कर सकते हैं। अज्ञात निष्कर्ष और ज्ञात तथ्य की जानकारी आवश्यक है, अदरवाइज हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस विधि का यह दोष रहा, ठीक है, और इस विधि का यह गुण रहा। विश्लेषण यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है। कभी कभी पूछा जाता है कि विश्लेषण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो विश्लेषण विधि का प्रयोग ज्यामिति में भी किया जाता है और बीजगणित में भी किया जाता है और अंगणित में। अंगणित का मतलब जैसे आपने देखा यहाँ अनुपात समानुपात में किया जाता है, ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी पूछा जा सकता है वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात निष्कर्ष और ज्ञात तथ्य की जानकारी होती है, तो वह कौन सी विधि होती है, विश्लेषण विधि होती है, ठीक है। और पूछा जाता है कभी कभी से कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि है, तो आप बताओगे विश्लेषण विधि वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें क्या क्यों कैसे का क्या मिलता है, जवाब मिलता है। और जिसमें भी आपका क्या क्यों कैसे का जवाब मिल जाता है वही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक विधि कहलाती है, ठीक है। और इस विधि से क्या होता है, बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि जब किसी को क्या क्यों कैसे का जवाब मिलता है तो उसका इंटरेस्ट उसके प्रति क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज आपने इस लेक्चर में विश्लेषण विधि के बारे में देखा, अब अगले मतलब लेक्चर में हम आपको संश्लेषण विधि के बारे में बताएंगे।